महाराज जी प्रणाम। मेरा सवाल थोड़ी मेरी जिज्ञासा थोड़ी सी अलग है, सब जो सवाल आ रहे थे मैं थोड़ा सा उससे सीमा पार कर जा रहा हूँ, मैं उस सीमा के पार सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा एक सवाल जो बार बार बात आ रही है, या तो पूछने वाले सब लोग जो हमारे वरिष्ठ हैं वो रुक रहे हैं या झिझक रहे हैं, मैं उस झिझक से बाहर आना चाह रहा हूँ कि एक जो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है किसी भी धर्म की, मैं किसी एक धर्म की नहीं, कि बोलियां लग रही हैं वहां पर किसी भी एक भी प्रक्रिया पूजन की किसी भी धर्म में, वहां बोलियों की एक जो पद्धति शुरू हुई है उसमें एक जो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई कि जो आगे बैठे हैं वो वही लोग हैं जो पैसा दे सकते हैं, जो बोली में शामिल हो सकते हैं। एक वो जो आदमी सबसे पीछे बैठा हुआ है जो चाहता है मैं महाराज जी के आके पांव छूं, महाराज जी से मिलूं, लेकिन वो महाराज जी तक नहीं आ सकता क्योंकि वो पैसा खर्च नहीं कर सकता। इसी का पाठ है एक और सवाल कि एक सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी यहां भी हुई, महाराज जी इसको अन्यथा ना लिया जाए, कि किसी भी जब गुरुदेव का जब नाम लिया जाता है तो उसके साथ उसे बहुत ही बड़ा बताया जाता है, गुरुदेव खुद बड़े हैं उनमें, आगे जब गुरुदेव लग गया तो उसके बाद ये सारी चीजें क्या उन्हें ब्रांड बनाने के लिए की जा रही हैं, क्या उन्हें मार्केट में बेचने के लिए की जा रही हैं? किसी भी धर्म में जब ये चीज देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। मुझे लगता है कि ये मेरी जिज्ञासा है कि ये जो पैसा जो इस किसी भी धर्म में प्रवेश कर गया, जिसने दो हिस्सों में धर्म को बांट दिया कि एक गरीब है जो पीछे बैठा हुआ है, एक पैसे वाला है जो महाराज जी तक आ चुका है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आपने उठाया है, पर इसे थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी धार्मिक आयोजन होते हैं व्यय साध्य होते हैं, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है इसमें खर्च तो हुए, ये खर्च कहाँ से आएगा? कोई ना कोई माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? और जो उसमें व्यय करता है, खर्च करता है, उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए या नहीं? आज का युग ऐसा है कि बिना प्रेरणा और प्रोत्साहन के कोई आगे नहीं आ सकता। तो अगर हमें ऐसे आयोजन हैं जिसमें व्यय है तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम तो बनाना चाहिए। बोली की जो परंपरा है वो केवल एक तो माध्यम बनाने के लिए, खर्च का निकालने के लिए, दूसरा एक धार्मिक भावना होती है कि किसी भी अच्छे कार्य को सबसे पहले मैं संपन्न करूं, वो क्रेडिट मैं लूं। तो हमारे बुजुर्गों ने एक परंपरा बना दी, एक पंथ दो काज, कि भैया ठीक है हमारी व्यवस्था भी बन जाएगी और तुमको लाभ भी मिल जाएगा, वो उसे हमने क्रेडिट दिया और बोली लेकर के उसने कुछ छोड़ा है, जोड़ा नहीं है, उसने त्याग किया है। बोली के माध्यम से अगर कोई दान देता है तो उस दान से उसका भी कल्याण होता है और उसका सदुपयोग करने से जनता का भी कल्याण होता है। तो ये हो रहा है आज, जैसे इतना बड़ा आयोजन है, जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया उसके उस योगदान से ही तो ये आयोजन संपन्न हुआ, तो उन्हें अवसर तो देना पड़ेगा। अब आपका जो सवाल का दूसरा पक्ष, जो मूल पक्ष है, कि इससे दूसरे लोग वंचित रह जाते हैं, ध्यान रखिए धार्मिक आयोजन में पैसा आड़े आ सकता है, धर्म में पैसा आड़े नहीं आता। धर्म तो कोई भी कर सकता है, आप मंत्र का पाठ यहां सामने बैठ करके करें या पीछे बैठ करके करें, दोनों जगह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहां बैठ करके सामने बैठ करके करेंगे तभी पुण्य लाभ मिलेगा, पीछे बैठने वाले को नहीं मिलेगा। वो धर्म करने आना चाहता है कि आगे आना चाहता है? तो भैया आगे आना चाहता है तो कुछ करो, या तो दान दो या योगदान दो। ना तुम्हारा दान है ना योगदान, तो आगे काहे में आओगे? बात समझने की है, ये लोगों के अंदर की एक कुंठा है। उन्हें अगर कोई बोली आदि के माध्यम से दान देता है तो जी भर करके अनुमोदना करके हर्षित होना चाहिए कि अच्छा काम किया, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उनके निमित्त से हमें यह अवसर मिल रहा है। कोई भी अच्छा कार्य करे तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की भारतीय परंपरा है और इसमें कृतज्ञता होनी चाहिए। आपने जो सवाल किया है, आज के युवाओं में नकारात्मकता भर गई या भर दी गई है,
उन्हें इस एंगल से देखना चाहिए कि ऐसे में क्या होगा, और कोई तो पीछे रहेगा, सब आगे आ जाएंगे क्या? आज मंच पर भी जैसे आपको बिठाया है, सबको मंच पर बिठा दे तो मंच होगा कि प्रपंच? तो हर चीज की एक सीमा है। आज आपको यहां बिठाया तो आज आप विशेष अतिथि के रूप में आए, इसलिए आपको बिठाया गया, तो आप उस लायक हैं इसलिए बिठाया गया। अब कोई कह दे कि इनको बिठाया गया, हमको नहीं बिठाया गया, तो उसका कोई उपाय नहीं। इसलिए इस विषय को बहुत सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, और मैं मानता हूं ये बोली की परंपरा ने हमारी दानशीलता को जीवित रखा है। लोगों की भावना होती है, मैं आपको बताऊं कैसी भावना होती है। जैन परंपरा में सौधर्म इंद्र बहुत श्रेष्ठ पद माना जाता है। हर व्यक्ति की भावना होती है कि मैं अपने जीवन काल में एक बार सौधर्म इंद्र बनूं। एक युवक जिसकी मनोभावना थी कि मैं सौधर्म इंद्र बनूं, पैसा उसके पास नहीं था, उसने कहा महाराज मैंने एक प्लाट ले रखा है और ये सोच रखा है प्लाट मैंने घर बनाने के लिए लिया, लेकिन यदि अवसर मिलेगा तो मैं अपना प्लाट दे दूंगा पर सौधर्म इंद्र जरूर बनूंगा। और आपको बता रहा हूं उसने सौधर्म इंद्र का पद भी लिया, अपना प्लाट दे दिया, एक अच्छी राशि थी, अमाउंट में नहीं बोल रहा हूं, प्लाट बेच दिया। जिस दिन उसने बोली बोली उसी दिन उसने प्लाट का कागज दे दिया, भैया ये प्लाट है मेरा पर मुझे ये बनना है। पर उसके बाद की कहानी सुनो, ये घटना 2002 की है, और उसके बाद वो बोलता है मेरा ऐसा भाग्य फिरा। मैं कोई मार्केटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप लोग वैसा आशय ले लेना, हकीकत बता रहा हूँ। उसने बोला महाराज मेरा ऐसा भाग्य फिरा कि आज मैं 4 मकान का मालिक हूँ। चिन्ह बढ़ता है, ऐसा नहीं है। तो इस परंपरा को इसी तरीके से देखना चाहिए, ये व्यवसायीकरण नहीं है, ये एक व्यवस्था है। अगर धर्म करना है, एक हमारे पास तो एक पैसा नहीं, हम कैसे धर्म करते बोलो? और आपसे अच्छा धर्म हम करते हैं, क्योंकि हमसे अधर्म होता ही नहीं। आप लोग तो अधर्म भी करते हो, थोड़ा बहुत धर्म करते हैं, हम 24 घंटे धर्म करते हैं, हमारा हर बल शुभ में लगा है, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन धार्मिक आयोजन तो बिना इसके नहीं होंगे, तो वो कहाँ से आएगा? ये एक परिपाटी है जो स्वस्थ परिपाटी है। हाँ, होड़ में बोली नहीं लेनी चाहिए, और बोली लेने के बाद अभिमान नहीं करना चाहिए। ये दो बातों से बचिए और आगे बढ़िए।